नमस्कार दोस्तों, स्कॉलर फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हैप्पी हाइपोक्सिया की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाइपोक्सिया क्या होता है। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, हाइपो मतलब लो, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन। हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो है खून के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। एक अगर हम स्वस्थ इंसान के ऑक्सीजन सेचुरेशन की बात करें, अगर उसके ब्लड में जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है वो 95% के ऊपर होता है। नॉर्मल ये 95% से 100% के बीच में होता है। बट जो हमारे कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज हैं उनके अंदर ये ऑक्सीजन का स्तर कंटिन्यूसली गिरता रहता है, और किसी किसी केस में ये 40% तक देखा गया है। तो जब हमारा हाइपोक्सिया होता है, ये हमारा हाइपोक्सिया, जब हमारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लेवल गिरता है तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे किडनी, ब्रेन, हार्ट, लीवर एटसेट्रा, इन इनमें फेलियर होने की संभावना बढ़ जाती है या इनका सडन फेलियर हो जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारी हाइपोक्सिया की। बट हैप्पी हाइपोक्सिया या साइलेंट हाइपोक्सिया, दोनों एक ही टर्म है। इसमें क्या होता है कि आपके मरीज का ऑक्सीजन का स्तर तो गिरता जाता है, बट उसको किसी भी तरह के कोई भी सिम्टम्स या कोई साइन उसको समझ में नहीं आते हैं। वाइटल ऑर्गन फेलियर होना, जैसे किडनी, ब्रेन, हार्ट एटसेट्रा, और आपको जो है सांस लेने में परेशानी होना, ये सब चीजें आपको समझ में नहीं आती है। तो इसमें क्या होता है कि जो मरीज है, जो इनिशियल स्टेज होती है बीमारी की, इनिशियल स्टेज, उसमें ये सारे सिम्टम्स नहीं दिखते हैं और मरीज को ऐसा लगता है कि वो सही है और वो खुश खुश रहता है। इसलिए इसको हम हैप्पी हाइपोक्सिया या साइलेंट हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन का लेवल कम क्यों होता है, तो हमने बहुत बार सुना होगा कि कोरोना वायरस होने के बाद या कोविड होने के बाद ऑक्सीजन का लेवल गिरता जाता है। तो उसका गिरने का कारण क्या है? तो उसका गिरने का जो कारण है वो है क्लॉटिंग, मतलब जो है खून में क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड में क्लॉटिंग हो जाती है। जो हमारे लंग्स में छोटे छोटे स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं उसके अंदर क्लॉटिंग हो जाती है। तो जब क्लॉटिंग हो जाती है तो हमारा जो ब्लड है उसका फ्लो सही नहीं होता, और ऑक्सीजन सप्लाई जो है प्रॉपर तरीके से हमारे जो है वाइटल ऑर्गन्स तक या ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचती है। जैसा कि आपको पता है कि ब्लड का जो मेन काम है वो सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा ब्लड वेसल्स चोक हो जाते हैं, जो हमारी क्लॉटिंग हो जाती है, चोक हो जाते हैं, तो उसमें सही मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो ऑर्गन्स हमारे काम करना बंद कर देते हैं। इसका क्लॉटिंग होने का कारण ये बताया गया है कि एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है। जब आपका आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है, कोविड का, सार्स कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है, तो आपके बॉडी में एक रिएक्शन होती है और इसकी वजह से वो क्लॉटिंग हो जाती है। तो जब क्लॉटिंग हो जाती है तो आपके टिश्यूज में सही से उचित मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन लेवल गिरता जाता है। अब अगर बात करते हैं कि युवाओं में ही क्यों सबसे ज्यादा समस्या आती है, तो एक तो सबसे बड़ा कारण यह है कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, जिसकी वजह से उनको कोई भी इस तरह के सिम्टम्स जो है बॉडी दिखाती नहीं है, तो उनको समझ में नहीं आता है। और जब उनका ऑक्सीजन लेवल गिरता भी जाता है, 90% से कम हो जाता है, तब भी दे कैन वॉक, टॉक, दे कैन डू देयर नॉर्मल एक्टिविटी, मतलब 90% से कम होने पर भी चलना फिरना, बातचीत करना, ये सब चीजें तो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनकी एनर्जी और स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो छोटे मोटे सिम्टम्स को या छोटे मोटे साइंस को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वो उसको टॉलरेट कर लेते हैं। तो अब अगर बात करें कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हैप्पी हाइपोक्सिया हो चुका है या है, तो एक तो ये है कि हमें कंटिन्यूसली ऑक्सीजन का लेवल मॉनिटर करना है, और जैसे ही हमारा 90% से कम होता है ऑक्सीजन लेवल, हमें इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और हमारे जो लिप्स हैं, लिप्स का कलर जो है वो किसी किसी केस में ब्लूइश हो जाता है, स्किन में डिस्कलरेशन भी हो सकता है, और वो रेड या पर्पल अपीयरेंस की भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि हैप्पी हाइपोक्सिया में परसिस्टेंट स्वेटिंग होती है, मतलब आप कोई भी एक्सरसाइज या कोई हैवी वर्क नहीं भी कर रहे होगे उसके बाद भी आपको कंटिन्यूअसली पसीना आ रहा होगा, ठीक है। तो एक ये भी एक उसका लक्षण है। तो जो भी हमारे कोविड के मरीज हैं उनको ये सब वार्निंग साइंस हमें ध्यान देने की जरूरत है। और किसी भी कंडीशन में अगर आपको लगता है कि आपकी आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, आपकी हेल्थ सही नहीं है और डिटेरियट हो रही है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप कंटिन्यूअसली ऑक्सीमीटर पे अपनी ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करें, और 90% से कम जैसे ही होता है, 90 आता है, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग चीजों को जानने के लिए प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।